नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां कल हरिद्वार में विसर्जित की जाएंगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेता होंगे शामिल। मॉरिशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा कर रहा नैनीताल कैंट बोर्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में देश में मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्थानीय युवा बने स्वच्छाग्रही। और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान नंदन सिंह करायत बने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ले रहे हैं लाभ। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां कल हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। अटल जी की अस्थि विसर्जन को लेकर गंगा सभा हरिद्वार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश को लोगों के दर्शन के लिए हरिद्वार के शांति कुंज में रखा जाएगा, जहां स्थानीय लोग, बीजेपी कार्यकर्ता और संत समाज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शांति कुंज से हर की पैड़ी तक अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। गंगा सभा के पंडित राम कुमार मिश्रा ने बताया कि अस्थि विसर्जन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुखद घड़ी है, अटल जी पहले भी हर की पौड़ी गंगा सभा में आए हैं। सुमति रजिस्टर में अपने भाव लिखकर गए हैं गंगा सभा के प्रति, पुरोहित समाज के लिए और गंगा जी के लिए। कल अस्थियाँ 11 बजे के आसपास आएंगी। गंगा सभा ने तैयारियाँ पूरी की हुई हैं। कल हर की पौड़ी पर उनकी अस्थि प्रवाह जब होंगी, उस समय पुरोहित समाज हमारे गंगा सभा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने, और लगभग 12 बजे का समय हमें दिया गया है। हर की पौड़ी पर पर्याप्त स्थान है और व्यवस्था हमने पूरी की हुई है, और बरसात से बचाव के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं। वाटरप्रूफ जो है स्टेज बन रहा है, जहां पर अस्थि प्रवाहन में कोई कठिनाई ना आए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हर की पैड़ी पर गंगा में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। पूरा त्रिपुरी समाज जो है आज मोक्ष की कामना के लिए उनकी प्रार्थना करेगा, और पूरा समाज त्रिपुरी समाज के लिए यहाँ पर आकर के एकजुट होकर के उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, और उस महान विभूति के लिए यहाँ पर पूरा समाज जो आकर के माँ गंगा से उनकी मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना करेगा, जिसमें यहाँ पर पहले उनके लिए आत्मा शांति के लिए शांति पाठ से लेकर के आत्मा मोक्ष के लिए पिंडदान, अस्थि प्रवाह आदि सब कार्य यहाँ पूरे शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ यहाँ पर कराए जाएंगे। स्वर्गीय वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन को लेकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन का शुभारंभ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने किया। सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत भारत के कई अन्य मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार का मुख्य विषय हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृति रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन हिंदी को विश्व में नई पहचान दिलाने में सफल होगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विश्व से हिंदी को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पिछली बार का सत्र आपको याद होगा, हमने विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर लोगो रखा था, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस बार हमने कहा हम रखेंगे मोर और डोडो, मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो। तो किसी ने कहा कि डोडो तो लुप्त हो गई, तो मैंने कहा इसीलिए रख रहे हैं कि लुप्त होती हिंदी का प्रतीक है डोडो, लेकिन भारत का मोर आएगा और उसे बचाएगा। आज जरूरत है भाषा को बचाने की, जहाँ बची हुई है वहाँ भाषा को बढ़ाने की, भाषा की शुद्धता को बरकरार रखने की। अगर लुप्त हो रही है भाषा, तो बचाने की जिम्मेदारी भारत की है, बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की है।
हिंदी सम्मेलन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें याद किया। देश को स्वच्छ बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाने वाले लोगों को स्वच्छाग्रही नाम दिया है। ये स्वच्छाग्रही पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम में जुटे हैं। ऐसा ही कुछ काम नैनीताल के कैंट बोर्ड ने भी कर दिखाया है। कैंट बोर्ड ने स्वच्छाग्रही और अपने कर्मचारियों की मदद से नैनीताल को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका नतीजा ये रहा कि पर्यटन नगरी नैनीताल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। कूड़े से खाद भी बनाई जा रही है। पहले जो यहाँ पे था तो इतनी गंदगी यहाँ पे थी जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब यहाँ पे कुरकुरे के पैकेट वगैरह गंदगी और बाहर जो है मतलब काफ़ी वो था। जब से मोदी जी का आया है ये स्वच्छ अभियान तो तब से जो है उन्होंने इतना मतलब किया है। डस्टबिन वगैरह यहाँ इतने लगे हुए हैं लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम तो यहीं लोकल के हम आते जाते रहते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। कैंट बोर्ड की माने तो स्वच्छता अभियान शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई। कैंट बोर्ड अधिकारी डीसी तिवारी का कहना है कि कैंट की ओर से पहले लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया, उसके बाद शहर में जगह जगह कूड़ेदान रखवाए गए, शौचालयों का निर्माण कराया गया, जैविक और अजैविक कूड़े को रखने का कैंट क्षेत्र में अलग से प्रबंध किया गया है, पेड़ों से गिरी पत्तियों से वर्मी कंपोस्ट के जरिए खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन जब से मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम चला उसके बाद आज स्थिति है कि कोई भी अधिकारी आता कोई भी आता सबसे पहले एजेंडा में सफाई होती है जो पिछले 30 सालों में हमने नहीं देखी थी। और इधर के 5 सालों में जो है ये इस चीज़ का हमें बहुत खुशी हुई कि जो सफाई जो है पहली प्रायोरिटी बन गई है और कोई भी आता है तो पहले सफाई के बारे में ही पहले पूछता है, ऑफिस की सफाई हो रही कि नहीं हो रही, बाहर की सफाई हो रही नहीं हो रही। और लोकल में भी अब हर चाहे वो जिले के अधिकारी हों चाहे हमारे अधिकारी हों रक्षा विभाग के अधिकारी हों सबका पहला ध्यान सफाई पर रहता है जो पिछले 25-30 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिया। नैनीताल की स्वच्छता को देखकर यहाँ हर साल आने वाले पर्यटक भी चौंक रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यटक हैं अनिल। अनिल पिछले साल भी नैनीताल आए थे। पिछले साल जिस जगह उन्होंने कूड़ा देखा था उस जगह अब पार्क बना हुआ है। पहले कूड़े का ढेर लगा होता था लेकिन अब वहां कूड़ेदान रखा हुआ है। पहले करीब तो यहां पे कूड़ा घर हुआ करता था। अभी जब मैं आज आया तो आज बहुत ही चेंजेस दिखे, वहां पे एक पार्क भी बन गया। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहां पे। सबसे पहले तो आप जो गंदगी कर रहे हैं वो ना करें, जो प्रॉपर आपका जो डस्टबिन है वहां पे डाले जाके कूड़ा। कैंट बोर्ड के साथ काम कर रहे स्थानीय युवाओं के एक ग्रुप के सदस्य दिनेश जगाती बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिली। उनका मानना है कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकते हैं तो फिर आम लोग क्यों नहीं। अब तक युवा नैनीताल से 3000 से अधिक कूड़े के कट्टों को बाहर ले जाकर निस्तारित कर चुके हैं। जो है 2017 से इस अभियान में लगे हुए हैं और जो है नैनीताल के मोस्टली जितने भी व्यू पॉइंट हैं और आपके जो खूबसूरत स्थान हैं उनके हम लोगों ने सब अभियान किया। कम से कम हमने जो है 3000 कट्टा जो है वो कूड़ा हमने निकाल के नैनीताल शहर से बाहर करा हुआ है। प्रेरणा तो ऐसा है कि मेन जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमें देखा जब एक प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते अपने, खासकर अपने नैनीताल को बचाने के लिए। कैंट बोर्ड की सीईओ आकांक्षा तिवारी ने बताया कि नैनीताल में हर साल लाखों पर्यटक सैर करने आते हैं जो अपने साथ किसी न किसी रूप में कूड़ा भी साथ लेकर आते हैं। इससे निपटने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को आधार बनाया गया और लक्ष्य निर्धारित कर काम किया गया, उसकी बदौलत आज सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि भारत स्वच्छ रहे और जिसके कारण स्वच्छता अभियान लॉन्च किया गया था, हम लोगों को उसमें सिटीज़न अवेयरनेस में फ़र्स्ट अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा छोटे से नैनीताल कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है उसको साफ रखने में उतनी ही परेशानियाँ हुई जितनी एक बड़े म्यूनिसिपल बोर्ड को रखने में होती हैं। और इसमें हमारे ऑफिस ने और हमारे स्टाफ ने और साथ में हमारे सफाई कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी। बागेश्वर जिले के पालड़ी बगड़ गाँव के नंदन सिंह की बागवानी की मेहनत अब रंग लगने लगी है। इसके लिए वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को श्रेय देते हैं। प्राकृतिक आपदा में एक बार उनकी फसल बर्बाद हो गई थी लेकिन इस विपदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए वरदान साबित हुई। तब से वो हर साल फसल बीमा कराना नहीं भूलते। नंदन सिंह को बागवानी के लिए मुख्यमंत्री समेत दर्जनों विभाग सम्मानित भी कर चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
पालड़ी बगड़ गांव के नंदन सिंह करीब 10 सालों से कृषि और बागवानी करते आए हैं। मेहनत करके अपने 2 हेक्टेयर की ढलान वाली बंजर जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया। पहले जो जमीन बंजर पड़ी थी वो अब उनकी आर्थिकी का जरिया बन चुकी है। नंदन सिंह बताते हैं कि एक बार अतिवृष्टि से फसल और बागवानी के नष्ट होने पर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। जब उद्यान विभाग से उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी फसल का बीमा करवा लिया। फसल तैयार होने के दौरान ओलावृष्टि होने से उनकी बागवानी बर्बाद हो गई। विभाग ने नुकसान के आकलन करने के बाद फसल बीमा के तहत उनके नुकसान की भरपाई कर दी। प्रधानमंत्री जी की जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, इसमें मैंने पिछले ईयर में ये फल पौधों का 5,150 रुपये का बीमा कराया था, जिसमें मेरे को 47,000 रुपया बीमा मिला। इसलिए मैंने इस बार उससे बढ़कर 10,000 का फिर बीमा नया कराया है। नंदन सिंह ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और पौड़ी गढ़वाल के भरसार में फल पौधशाला और बगीचा प्रबंधन की ट्रेनिंग ली। इन ट्रेनिंग्स के बाद जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया और फल सब्जियां मौन पालन के साथ ही मछली पालन का भी काम शुरू कर दिया। नंदन सिंह की माने तो केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। बागवानी और मौन पालन के लिए तो नंदन सिंह को मुख्यमंत्री समेत दर्जनों विभाग सम्मानित भी कर चुके हैं। मैंने ये बगीचा सन 2008 से स्टार्ट किया है और जिसमें विभाग द्वारा मुझे पोल्ट्री हाउस और ये फल पौध रोपण और वेजिटेबल का बीज और पोल्ट्री हाउस बर्मी नेट और जितनी प्रजाति के भी पेड़ लगे हैं, आड़ू खुमानी पुलम बादाम सेब अनार लीची आम और विदेशी फल भी है कीवी, ये सारी चीज़ें उद्यान विभाग द्वारा मुझे मिली। नंदन सिंह बताते हैं कि उन्हें बागवानी में आम आड़ू बादाम अनार सेब लीची कीवी करेला लौकी टमाटर और शिमला मिर्च आदि से साल में अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मौन पालन के 18 बक्सों से तैयार शहद से वो करीब 35,000 और मछली पालन से करीब 15,000 की आमदनी कमा लेते हैं। सिंचाई के लिए विभाग की पहल पर नंदन सिंह ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाई है। ग्राम सभा पालड़ी बगड़ के प्रगतिशील काश्तकार श्री नंदन सिंह कराय जी के द्वारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वर्ष 2022 तक काश्तकारों की आय दुगुनी करनी है, उसी में उद्यान विभाग द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है और वर्तमान में श्री कराज जी के द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत फल पौधरोपण किया गया है। साथ ही हमारे द्वारा उन्हें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है और फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेते हुए उनके द्वारा विगत वर्ष में अपने पूरे बगीचे का बीमा कराया गया है। तो इन सभी चीज़ों का को कंपोजिट या संयुक्त करते हुए श्री करायत आज इस क्षेत्र के न केवल एक प्रगतिशील काश्तकार हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से लागू की गई थी। प्राकृतिक आपदा के समय ये किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5% रखी गई है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार बराबर बराबर अनुपात में वहन करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भले ही पंचतत्वों में विलीन हो गए हों, लेकिन चंपावत जिले से जुड़ी उनकी यादें अब भी ताज़ा हैं। अटल जी 1981 में चंपावत आए थे। वो टनकपुर से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चंपावत और लोहाघाट पहुंचे थे। चंपावत और लोहाघाट के लोगों के अपार प्रेम को देखते हुए उन्होंने वहाँ जनसभा को संबोधित किया था। डाक बंगला और पुस्तकालय उनकी यादों को आज भी संजोए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में उनका हस्तलिखित पत्र अब भी मौजूद है। उस समय भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक कृष्णचंद्र पुनीठा ने बताया कि अटल जी लोहाघाट की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो स्वामी विवेकानंद की कर्मभूमि अद्वैत आश्रम मायावती जाना चाहते थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं जा पाए। पहाड़ से उनके लगाव का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने उत्तराखंड निर्माण के साथ ही प्रदेश को विशेष पैकेज की सौगात भी दी थी।
1981 नवंबर में उनका पूरे पहाड़ी क्षेत्र का भ्रमण का कार्यक्रम था, पुर में उनकी जनसभा का कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर लोगों का में इतना जूम था उसको देख के उन्होंने वहां भी संबोधित करना पड़ा। चंपावत में भी उनकी सभा का कार्यक्रम नहीं था, मगर जब भीड़ ने आग्रह किया तो उन्होंने भी वहां संबोधित किया। रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इतनी भीड़ शायद न भूतो न भविष्यति, उनके जाने के बाद भी लोग आते रहे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।